देगा टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? सास्तिका टेक्सटाइल, अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा, जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। सास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। इस वक्त मैं नमूनागर क्षेत्र में खड़ा हूँ और यहाँ पे मेरे आने की वजह यह है कि बिजली कटौती को लेकर जो समस्या यहाँ के निवासी झेल रहे हैं। हम लोग का यहाँ तो प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, करंट नहीं रहने से सारा सामान मेरा नष्ट हो जाता ना। बच्चों लोग का एग्जाम चलता है अभी, 12 में मेरा लड़का है जी, अभी एग्जाम चलता है 12 का मेरा बच्चा का, करंट चले जाने से पड़ेगा क्या? वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ में खाली नाम के लिए रह गया है। डीप फ्रीजर है, फ्रीजर है, उस पर अगर करंट नहीं रहेगा तो उसमें हम लोग का जो सामान पूरा नुकसान हो रहा है। करंट बराबर देना चाहिए, हम लोग तब तो बिल तो बराबर बनता। रात के भी एक घंटा काट देता, फिर एक घंटा के बाद में भी बिजली चलता, करंट तो रहता नहीं है। क्या क्या फायदा बिल बांध के? खाने पीने की चीज में कुछ कीड़ा मकोड़ा गिर सकता है, कुछ भी गिर सकता है, तो उसमें क्या ये करंट का वजह से हम लोगों देखो फूड सेफ्टी लाएगा, हम लोग फाइन मारेगा। नमस्कार, मैं असलम न्यूज एंड नमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं नमूनागर क्षेत्र में खड़ा हूं और यहां पे मेरे आने की वजह यह है कि बिजली कटौती को लेकर जो समस्या यहां के निवासी झेल रहे हैं उसे आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष रखें। जैसा कि हमें बहुत से जगह से लोग संपर्क कर रहे हैं कि वहाँ आए और आ करके बिजली की इस कटौती को लेके जो है कवरेज करे, रिपोर्टिंग करे वहाँ पे, ताकि उनकी बात जो है, उनकी जो समस्या है वो प्रशासन तक पहुँचे और लोग देख सके। तो ऐसी ही एक कोशिश को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे, बात करेंगे, सबसे हम जानेंगे कि यहाँ पे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के निवासियों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के जो भी यहाँ पे रहने वाले हैं सभी को। तो बिना समय व्यर्थ किए मैं आपको ले चलता हूँ इस कवरेज की तरफ। तो हमारे बीच नमूनागर क्षेत्र से कुछ दुकानदार भी है जो बिजली की इस समस्या को लेकर के बात करना चाहेंगे, अपनी समस्याओं को बताना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद जी, बताइए। हम लोग का यहाँ तो प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है जी। कभी कभी लोड शेडिंग रहता, बिजली आता नहीं, इसमें मेरा फ्रीज है जी। इसमें सामान पूरा भरा रहेगा तो इधर दिखाई देने से देखिएगा पूरा जी, जी, हम देख रहे हैं यहाँ पे। करंट नहीं रहने से सारा सामान मेरा नष्ट हो जाता ना जी। घर में भी ऐसी है, बिजली का प्रॉब्लम है जी, जी। ये प्रशासन कई बोलता, थोड़ा ध्यान देने से नमूनागर एरिया में थोड़ा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे बीच अपने बात रखने के लिए। हमारे यहाँ में बहुत बिजली का बहुत प्रॉब्लम है जी जी। वाले मतलब दिन भर रहता नहीं है एक दो, और बच्चे जो है अभी जी पढ़ाई में ही प्रॉब्लम होता है, अभी एग्जाम चल रहा है फिलहाल, तो बच्चे रात पर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब हमारे नमूनागर पंचायत में थोड़ा आके देखिए, हमारे गाँव में आके देखिए मतलब क्या प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं आ पहुंचा हूँ नमूनागर क्षेत्र के दुकान पे, यहाँ के इस व्यापारी से हम बात करना चाहेंगे, जानेंगे कि क्या क्या समस्या झेलना पड़ता है इन्हें बिजली कटौती से लेकर के। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर आप जैसे देख सकते हैं आपके चारों तरफ में
सब्जी है, दो तीन फल है। बात ये नहीं है, बात ये है कि यहाँ में दो फ्रिज है, फ्रिज में चलने के लिए आपको करंट चाहिए और यहाँ में करंट उतना खास रहता नहीं है, इसमें करंट रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें नहीं रहेगा तो लगातार अगर एक बार ख़राब हो गया तो इसमें हज़ारों का खर्चा आ जाता, तो वो खर्चे से बचने के लिए आपने कुछ करिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ये हम लोग का परेशानी है, तो रिक्वेस्ट है हम लोग के लिए कुछ सोचिए और करंट का थोड़ा कंटिन्यू रहने के लिए आपने कुछ करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद सर, बताइए। साजी सर, सर आप लोग से एक विनती है, आप लोग पोर्ट ब्लेयर से मीडिया हिसाब से हम बोल रहे हैं, हम लोग का वृंदावंद एरिया में पंचायत में ना करंट का थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा है, चार घंटा या छः घंटा मिनिमम रुक रहा है बस। अच्छा, इतनी है तो यार प्रॉब्लम यही है करंट की ही है, रात का टाइम चले जाता तो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, सुबह चार बजे बच्चे लोग नाश्ता वास्ता बनाने के टाइम में भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये करंट का बहुत भारी प्रॉब्लम है सर। ठीक है, आप लोग देखिए आगे बढ़ जाइए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए हम लोग की तरफ से। तो अभी हमारे बीच मौजूद है नमूनागर क्षेत्र के ऑटो चालक या ये सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं बिजली के अपने जो इस कटौती है इसको लेके जो भी ये गंभीर समस्या झेल रहे हैं, उस सभी को हमारे बीच बात करेंगे और बताएंगे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैन सर। जैन, मेरा नाम सिंगाराम है, आपको अंडमान न्यूज 24x7 को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप इधर नमनगर आए, यहाँ बिजली की समस्या पूरा है, तो ये हमेशा बिजली नहीं रहता है, मतलब 24 एक दिन को 24 घंटा बोलने से 23 घंटा तो करंट ही नहीं रहता, एक घंटा करंट रहता है, एक घंटा में क्या होता, तो मेन इन्वर्टर वाले लोग इन्वर्टर चार्ज करने के लिए देते है लगता है, इन्वर्टर चार्ज होता है या बिजली कट जाता, करंट ना पेड़ कटता ना कुछ कटता, अपना मन मर्जी से उस लोग पेड़ काट देते हैं। सेनिचर को क्या करने के लिए? आवत पान भी नहीं रहता, ऐसे काट देता है। सेनिचर को क्या करने के लिए? सेनिचर को भी काटता, काम करता करके, काम तो काम करने के लिए काम तो करते नहीं है, सब सीढ़ी डाल के बैठे रहता रोड में, तो काम करता बोलता, मगर फिर भी लोड सेटिंग कर देता कि करंट काटा है नहीं तो शटर डाउन हो गया बोलता, उसके बाद भी रात को फिर भी करंट जाता, ऐसे 12-13 घंटा करंट सुबह से शनिचर को चले जाता, रात को भी 2-3 बार काट देता। बच्चों लोग एग्जाम चलता, अभी 12 में मेरा लड़का है जी, अभी एग्जाम चलता है 12 का मेरा बच्चा का, करंट चले जाने से पड़ेगा क्या? वो प्रधान लोग बोले है कि करंट जाता इतना क्यों बोलता, प्रधान तो बोलता बात करता हूँ करंट डिपार्टमेंट को, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करे, फिर भी बोलता है ठीक है आधा घंटा 15 मिनट में आ जाएगा करंट, आधा घंटा 15 मिनट में तो आता नहीं, गया आने से एक घंटा का बाद ही आता। हम ये बोलना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ में खाली नाम के लिए रह गया है, जो भी है थोड़ा देरी के लिए आता फिर बहुत देरी के लिए चला जाता है, इसमें क्या आम जनता को बहुत तकलीफ होता है, जितना भी है अगर कंप्लेन करने से भी बोलता है कि वहाँ बाजार से काटा है, यहाँ से काटा है, वहाँ से काटा है, वहाँ पता करने से बोलता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, खाली उस लोग बहाना करते हैं, करंट देते नहीं है। हम आपका चैनल के माध्यम से हाई लेवल तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के देखिए, अभी तो धूप का मौसम भी नहीं है, आने वाला साल में जब धूप का मौसम रहेगा ऑटम में कैसा होएगा, क्या हाल होएगा, अभी बच्चे लोग सबका एग्जाम चल रहा है, इसमें उस लोग करंट नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कैसे, उस लोग रात का टाइम में पढ़ना होता सबका जो भी है, तो आपका चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कम से कम इस प्रॉब्लम को थोड़ा देखिए, नज़रअंदाज करने से तो नहीं होएगा, ये सबका जरूरत का चीज़ है, अभी सबका घर में तो इन्वर्टर नहीं है, यहाँ में बहुत से ऐसे फैमिली है जिसका घर में तो है ही नहीं, और अगर इन्वर्टर होने से भी उसको भी चार्ज करने के लिए करंट चाहिए, जो कि रहता ही नहीं है, करंट रहता ही नहीं है तो जो इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होएगा, तो ये सबको आप लोग देखिए, क्योंकि हम लोग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, करंट नहीं रहने से बहुत तकलीफ होता है, नहीं होता करके नहीं है, तो आपका चैनल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाई लेवल वाले जो भी है आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए जल्द से जल्द, और जितना हो सके आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग भी आप लोग साथ देंगे, अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो बोलिए, हम लोग भी आके अगर फील्ड में अगर कुछ काम है कुछ मदद चाहिए तो हम लोग भी करके देंगे, पर आप लोग शुरुआत तो करिए ना, खाली करंट काट देने से तो नहीं होएगा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कुछ अलग से और कोई सोर्स है, सोर्स तो एक ही है जो है, अगर आप लोग या तो डीजी सेट बढ़ाइए बैठाइए कहीं ना कहीं तो बनाइए कुछ तो करिए, इतना दूर से हम लोग के लिए लेना था, अगर रास्ता में कहीं फॉल्ट हो जाने से पूरा ये एरिया का पूरा सब शट डाउन रहता है, तो आप लोग देखिए इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जैसे कि आपने सुना यहाँ के जो ऑटो चालक है ये सभी
परेशान है अपने समस्याओं को यहाँ हमारे सामने रखे और प्रशासन से गुहार लगा रहे कि बिजली की इस कटौती को लेकर के जो है जल्द से जल्द हमारे नमूनागर क्षेत्र में जो इस नमूनागर क्षेत्र है इस पे जो है ध्यान दें। जय हिंद सर। मेरा नाम अब्दुल सलीम है, मैं नमूनागर पर रहता हूँ। यहाँ पे तो करंट ज्यादा तो रहता ही नहीं है। हाँ, इसका पीछे मेरा डीप फ्रीजर, दो डीप फ्रीजर है, फ्रिज है, स्वीट्स आइटम का फ्रिज है, सब बंद पड़े रहता 12 घंटा, कभी 8 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी तो करंट ही नहीं रहता। हम लोग इन्वर्टर में कितना, इन्वर्टर भी तो चार्ज नहीं देता है, उसमें डीप फ्रीजर में सारा चार्जर तो चलता ही नहीं है, पर हम लोग बहुत नुकसान होता है। ये करंट का पीछे हम लोग बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। हाँ, करंट के लिए कुछ भी करके हम लोग यहाँ से करंट का सारा तकलीफ दूर होना है। ये तो दुकान का समस्या था, अभी घर का समस्या। घर यहाँ से दुकान बंद करके जाते हैं, फिर उसके बाद में घर जाने के बाद में देखिए करंट नहीं रहता। रात को बच्चा लोग घर पे रहते हैं, बच्चा लोग रात भर सोने नहीं सकते, उसका पीछे भी बहुत तकलीफ होता है। अभी करंट नहीं रहने से मोटर में पानी नहीं, घर में कोई भी चीज़ में भी काम नहीं करने सकते। ये करंट का समस्या के लिए सब इलेक्ट्रिसिटी और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को सब साथ दें हमें कि करंट के लिए अच्छा से करंट रहे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। नमस्कार सर, आपको भी, आपको चैनल का भी। यहाँ में तो करंट का तो बहुत पूरा हाल है जी जी। वो तो हम बोल के तो मतलब नहीं है, सबको जानते हैं, टोटल बस्ती में जानते हैं। करारिन जैसे हमें तो हम लोग रहता है ना, सबको तो सबको मालूम है। मेन प्रॉब्लम क्या, दुकानदार को तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है। शाम हो गया तो 5 बजे 6 बजे तो करंट ऐसे चले जाता। इसमें और क्या प्रॉब्लम है कि दुकानदार को काम नहीं होता, करंट चले गया तो कोई कस्टमर भी नहीं आता, बिजनेस भी मार खाते हैं हम लोग का। इस तरह सारा प्रॉब्लम दुकानदार को है। कोई दुकानदार एक साथ होएगा तो इसका तो और आगे जा सकता। इससे सेकंड क्वेश्चन है, फैमिली मैटर में जाएंगे, बच्चा लोग के लिए अभी कैसा है मालूम है तो आपको। अभी मेरे घर में बच्चा लोग है, सुबह सुबह उठेगा, गुसल कराना, कपड़ा को इस्त्री करना, वो करना, ये करना, बहुत काम रहते हैं। और उसके लिए तो इस्त्री करने के लिए भी तो करंट नहीं रहेगा होटल में। ऐसी जो कपड़े ऐसी पहना के भेजना पड़ता है। इस तरह और भी बहुत प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे हम लोग, पब्लिक है तो मेन प्रॉब्लम क्या, रात को एक टाइम बड़ा मुश्किल से सोने के लिए टाइम मिलता है। 3 बार ना डेली बेस में काम करने वाले लेके कितना आदमी को, घर में इन्वर्टर नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। एक तरफ से मच्छर भी पूरा परेशानी करते हैं हम लोग, इसमें कैसा हम लोग बताएगा। अभी रात को सो के भी बहुत आदमी कितना देर सोया होगा, आधा रात में उठ के भी बैठ जाते हैं। इस तरह बहुत तकलीफ उठा के हम लोग रात को सोए ही नहीं, ऐसा भी प्रॉब्लम है हम लोग को। अभी हर एक कामड़ी को भी बोल सकता, अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में फोन करके अभी करंट कब जाएगा, ये नहीं कि करंट कब आएगा करके नहीं बोल सकता कि करंट कब जाएगा। करंट रहने टाइम में ऐसा पूछने का तरह सवाल हो गया, मैटर ऐसा होता है क्योंकि यहाँ में 24 घंटा में बड़ा मुश्किल 6 घंटा 7 घंटा रहता है कि नहीं रहता हमको भी तो मालूम नहीं है। सुबह हम घर से निकलता फील्ड में काम में चले जाता, जब आता 1 घंटा 2 घंटा रहता ओटम तो करंट रहता नहीं। रात का भी वही आ जाते 8 बजे 9 बजे घर पहुंचता है, ओटम में करंट नहीं रहेगा, कैंडल जला के खाना खाएगा ऐसे सो जाएगा, रात को कितना बजे करंट आएगा ऊपर वाला को जानते हैं। इससे तो पूरा हालत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बीच आपके बात जो है हमारे बीच रखने के लिए धन्यवाद। तो अभी हम आप पहुंचे नमूनागर क्षेत्र के एक बाल कटाने की दुकान पे, यहाँ हम जानेंगे, बात करेंगे कि इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नमूनागर में बाल कटाने का दुकान है जी। करंट का बहुत प्रॉब्लम चलता है इधर तो, करंट आधा घंटा रहने से 2 घंटा करंट रहता ही नहीं है, कोई कोई दिन दिन भर भर नहीं रहता है जी। तो इसके लिए हम बहुत परेशान है, तो आधा काम में करंट चली जाता है, वही टाइम क्या अंधेरे में बैठे रहना पड़ता है। ये नमूनागर का यही हाल है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जी बताइए जी, नमूनागर में ऐसी भी बहुत करंट जा रहा है जी, यहाँ बहुत समस्या है। थोड़ा बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि थोड़ा इस पर ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद सर। हेलो जी, नमस्कार सर जी। जी हमारा वहाँ तो बिजली का पूरा किल्लत हो रहा है सर, बिजली से तो हम लोग का दिन में 3-4 घंटा दिन में कट रहा है जी।
पूरा बिजली का आपत्ति पूरा नहीं हो रहा है जी। परेशानी तो इसलिए कि पूरा है, यहाँ दुकानदारों को लिए भी बहुत बड़ा बड़ा समस्या है कि इनका फ्रिज वगैरह जो राशन लेने आना है इनको सबके लिए पूरा परेशानी हो रहा है। इसमें थोड़ा समस्या को हल करने से अच्छा है बिजली के बारे में, दिन में अभी आधा घंटा आएगा 10 मिनट चला जाएगा, फिर 10 मिनट आता 1 घंटा चला जाता, इसलिए ये समस्या को थोड़ा सा ये करने से अच्छा रहेगा जी। हमारा दुकान पर जो है डीप फ्रीजर है, उस पर अगर करंट नहीं रहेगा तो उसमें हम लोग का जो सामान पूरा नुकसान हो रहा है जी। इसलिए कि हम लोग का कुछ उसका जो फ्रीजर का यहाँ का बिजली का सप्लाई के बारे में अगर जो भी आएगा तो उसको थोड़ा सा समस्या ये कर लीजिए जी। सर बोलिए। हम नमनगर में रहता, मेरा नाम फिरोज खान है। हम लोग एरिया में दिन में घड़ी घड़ी करंट चले जाता, मुश्किल से 7-8 घंटा करंट रहता है। करंट नहीं रहने से घर पे जो है बहुत प्रॉब्लम रहता है हम लोगों को, तो करंट देना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम लोग एरिया पे करंट ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो पूरा काटता लाइन, हम लोग को लाइन मिलता नहीं, दिन को भी काटता, रात को भी काटता है जी जी। हाँ देखिए क्या समस्या है इसका, मतलब करंट बराबर देना चाहिए हम लोग, सब तो बिल तो बराबर बनता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का ये सब जो है ना थोड़ा ध्यान देना, इतना खराब लाइन जो काटता है वो ठीक नहीं है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं एक वृद्ध व्यक्ति भी जो यहाँ पे एक व्यापार कर रहा है अपना छोटा सा सब्जी का, ये भी जो है बिजली की कटौती से बहुत ज़्यादा जो है जूझ रहा है समस्या, तो काफ़ी परेशान है ये भी। रात को भी 1 घंटा काट देता, फिर 1 घंटा के बाद में भी बिजली देता, मच्छर लोग रह नहीं सकता, मच्छर उतना काटता पूछो मत। ऐसा करता है जो भी बीमारी वाला रहना उनसे ना वो मर जाएगा, वही साफ में अंधेरा में क्या करेगा, कान गुजरा आता है, सांप आता है, सब कुछ आता है, कोई उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता। करंट रहने से हम लोग देख के मार नहीं सकता, वो भी नहीं है, सुबह भी काटता रात का भी काटता, क्या हिसाब से काटता पता नहीं है, क्या करेगा, हम लोग किसके जाकर बोलेगा, बोलना उनसे भी सुनने वाला भी नहीं है, वो भी बोलता है यहाँ घाटेगा उनसे वहाँ घाटा करके बोलता है, सोलदारी में काटा बोलता, सोलदारी वाला को पूछना उनसे वो बोलता सीढ़िया टाइप में काटा बोलता, कहाँ कहाँ काटा करके किसके भी मालूम नहीं है, हम लोग वही हिसाब से रहता है। इसके लिए कुछ ना कुछ आप लोग तो करना पड़ेगा, ये हम लोग कुछ आप लोग LDCT के हिसाब से हम बोलता है, आप लोग तो हम लोग के लिए कुछ सुविधा करना है। LDCT डिपार्टमेंट के एक रिक्वेस्ट है, हम लोग के लिए कुछ ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। नमूनागर क्षेत्र की महिला भी है, वो भी अपनी समस्या को हमारे सामने रखना चाहेंगी, उनसे हम बात करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। मैं नमूनागर से निशा बात कर रही हूँ। यहाँ करंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, सरेडी भी कट रहा है, एनी टाइम सरेडी तो प्रॉब्लम है, ठीक है चलो हम मान सकते हैं, दिन रात भर हमें करंट हमेशा जब देखो प्रॉब्लम होता है, रात को 10 बजे कभी 10 से 11 कभी 12 मतलब हमेशा कहीं नौटेंगी, ये प्रॉब्लम हमेशा ही चल रहा है यहाँ पे। जब बच्चे सोएंगे करंट देखो चले जाएगा, फिर रोना धोना घर में शुरू हो जाएगा, हम लोग घर देखे बच्चा देखे कि करंट का प्रॉब्लम लेके यहाँ वहां जाए, करंट नहीं रहेगा तभी करंट बिल इतना आएगा, ये रोज का हमेशा का यही प्रॉब्लम, मैक्सिमम यही प्रॉब्लम है मैडम। हाँ बिल तो बराबर बांधते हैं, करंट तो रहता नहीं है, क्या फायदा बिल बांध के, करंट मैक्सिमम तो सुबह उठो देखो करंट नहीं है, रात को भी वही रहेगा, मैक्सिमम करंट नहीं, जब देखो तो करंट ही नहीं रहता है, नमूनागर में तो मैक्सिमम यही प्रॉब्लम रहता है, जब भी करंट नहीं रहेगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करती है, प्लीज आप थोड़ा हम लोग पब्लिक ऊपर थोड़ा ध्यान दी और इसमें थोड़ा जोर डाले कि करंट मैक्सिमम नमूनागर में प्लीज करंट को थोड़ा अप्लाई करें। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला तो बात यह है कि हम लोग नमूनागर क्षेत्र में करंट का बहुत ज्यादा समस्या है, अभी आप मेरा पीछे ही देख सकते हैं, मेरा दुकान चल रहा है वो तो अभी हम लोग बैटरी से चला रहे हैं लाइट, और करंट नहीं होने की वजह से करंट इतना ज्यादा जा रहा है यहाँ में कि आदमी खाते खाते बाहर आना पड़ता है जी। और यहाँ में अगर अंधेरा में अगर कुछ गिर गया खाने पीने की चीज में, कुछ कीड़ा मकोड़ा गिर सकता है, कुछ भी गिर सकता है, तो उसमें क्या ये करंट का वजह से हम लोग देखो फूड सेफ्टी लाएगा हम लोग फाइन मारेगा, तो ये सब करंट का वजह से हो रहा है, अगर करंट सही से मिलेगा तो हम लोग को ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमको तो ऐसा करता दिल करता गाली देने का कि लेकिन क्या क्या गाली को दबाना पड़ता है ये, इसीलिए गाली नहीं दे सकता हम, लेकिन क्या करिए हम लोग, करंट जितना ज्यादा करंट कटता है बिल उतना ही ज्यादा आता है ठीक है। अभी पहले करंट बराबर मिलता था बिल कम आता था, अभी करंट ज्यादा है सब जगह LED हो गया, LED लगा के करंट इतना ज्यादा काट रहा है कि यार हम लोग को बिल उसका डबल ट्रिपल कर रहा है। तो अभी बताए प्रशासन को इसके लिए कुछ कार्रवाई करना चाहिए।
ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे बीच अपने बात रखने के लिए, धन्यवाद। तो इस वक्त मैं आया हूँ हाथी टापू एरिया नमूना घर पे स्थित है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं और बच्चों के साथ घर के सब जुड़े हैं, यहाँ पे अपने इतने समस्याओं को सामने रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो बिजली की इस कटौती से जो ये जूझ रहे हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं इस वक्त बिजली की कटौती हो चुकी है, घर पे वो बैठ नहीं रहे हैं, घर पे वो बैठे नहीं है, बाहर है बच्चों के साथ, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही इनका गुजारा होता है ज्यादातर समय, इनका यही कहना है। चलिए इनसे जानते हैं, बात करते हैं, इन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। नमस्कार, हम हाथी डबू निवासी लक्ष्मी रॉय, एक करेन का बारे में हम बोलने मांगती। हमेशा करेन रहता ही नहीं, दो मिनट आता फिर चले जाता। कल तो हम गिनती किया, 13 बार आया 13 बार गया। फिर घर में तो इन्वर्टर नहीं है, और इन्वर्टर सबका घर में तो सब कोई तो लेने नहीं सकता, इसलिए करेन का पहले तो इस तरह समस्या नहीं था, अभी इतना समस्या होता है। किस लिए हम लोग को ये सब मालूम भी नहीं है, करेंट का क्या समस्या है, वो किसका पास जाएगा। हम लोग पंचायत वाला को बोलने से बोलता है करेंट वाला को बोलो, करेंट वाला को बोलने से वो लोग बोलता हम लोग क्या करेगा। अभी लिया प्राइवेट वाला लिया, अभी कौन लिया नहीं लिया वो तो हम लोग को मालूम नहीं है, अभी किसका पास हम लोग जाएगा ये बोलने का वास्ते। अभी हम लोग ये रिपोर्टर वाला आया, इसका पास हम लोग अभी सबको मिल के हम लोग कंप्लेन अभी करता है न्यूज चैनल का माध्यम से। हम लोग ये जो समस्या है, हम लोग का जो बात है, अभी आगे रखने मांगता है। हम लोग कोई सुनने वाला तो इधर में नहीं आए, इसलिए हम लोग यही बात रिपोर्ट न्यूज चैनल वाला को अभी हम लोग बोलता है। ये जो समस्या हम लोग का है, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये दोनों मिल के हम लोग का जो समस्या है इसको थोड़ा समाधान करने का कोशिश करे। हाँ, कि हम लोग अभी जो बोलता है इसका बारे में थोड़ा ध्यान दे। धन्यवाद मैम। बाकी लोगों से जानेंगे कि उन्हें भी कैसे क्या बात रखना है उन्हें अपना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हम लोग का गुजारिश है कि हम लोग का जो समस्या है ये समस्या का समाधान करे। हम लोग बहुत परेशान है, करंट को लेके बहुत परेशान है। दिन भर में कितना बार जाते कोई आता पता नहीं। पानी का भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि करंट नहीं रहने से पानी भी नहीं चढ़ा सकते। पानी का भी प्रॉब्लम होता है घर में, बुजुर्ग है आदमी लोग है, एजेड आदमी है, उन लोग को परेशान होता, बच्चों लोग को परेशान होता, बहुत परेशान होता। इसका समाधान करने का हम लोग का गुजारिश है। धन्यवाद मैम। जय हिंद बेटा, बताओ। जैसे कि हम लोग को छुट्टी रहता है स्कूल, हम लोग घर पे बैठे रहते हैं, वो टाइम करंट नहीं होता है तो हम लोग बाहर आके बैठे रहते हैं। करंट नहीं रहता तो हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, और एग्जाम के टाइम करंट नहीं रहता तो अंधेरा जब होता है तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। कॉलेज टाइम में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, आयरन नहीं कर पाते, हम लोग का यूनिफॉर्म आयरन नहीं कर पाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को। और हम लोग का इंस्टीट्यूट में ऐसा है कि फुल यूनिफॉर्म में आना चाहिए एकदम, और उसी के लिए पढ़ना भी पड़ता है, लेकिन और करंट नहीं रहता तो रात को तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का जो करंट का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कीजिए। जय हिंद मैम, बताइए। हमारे यहाँ करंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अड़ोस पड़ोस के सारा महिला यहाँ बैठे हुए है, देखिए आप लोग, हमेशा हमेशा करंट का प्रॉब्लम रहता है हमेशा। तो हम लोग घर का अंदर सिर्फ काम के लिए ही जाते हैं, काम खत्म होता हम लोग बाहर आके बैठ जाते हैं। बच्चे को भी प्रॉब्लम है, उनको पढ़ाई के लिए भी प्रॉब्लम है। अगर करंट नहीं रहेगा तो बच्चे क्या करेंगे घर के अंदर, उनको भी तो प्रॉब्लम होता है ना स्कूल का। और बिल तो इतना ज्यादा आता कि करंट काटने से भी उतने ही आएगा बिल। जैन सर बताइए। पहले तो सर आपको नमस्कार कि आप हमारे गांव में आए गांव का समस्या सुनने के लिए। पहला तो सब में बड़ा मुद्दा है जो करंट का, वो तो रहता नहीं दिन को रात को, वो भी इतना टाइम के लिए आता है, इतना टाइम के लिए आता है जितना टाइम आदमी घर में मोमबत्ती ढूंढ सके, इससे ज्यादा करंट रहता नहीं। अभी दिन में हाल देखिए, सब दुकान में बैठा है, करंट नहीं है, हर सैटरडे को करंट काटता है कि लाइन सफाई करने के लिए। लाइन आप चल के देख लीजिए, हर लाइन के ऊपर में पेड़ का डाली सब है, हवा आने से ही डाली टूट के करंट चले जाओ। फोन करने से वो लोग फोन नहीं उठाता, कंट्रोल रूम में फोन नहीं उठाता, उठाने से भी बोलता वो अब भी आ जाएगा बोल के नहीं रहता।
सब में बड़ा तकलीफ तो बच्चों जो स्कूल पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई में बड़ी दिक्कत आता है। मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये मुद्दा सॉल्व किया जाए। ये खाली हाथी टप्पू का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा नमनगर का ही है। मैं चाहता हूँ कि ये सारे गांव वाले की मुद्दा है कि करंट का जो भी समस्या है जल्द से जल्द हल हो जाए। पहले तो मैं अभी हाल ही में एक महीना पहले ये पंचायत में एडमिनिस्ट्रेशन आपके द्वारा आया था, तो डीसी साहब से बात हुआ था ये करंट का बारे में। डीसी साहब बोला 15 दिन में हल हो जाएगा, लेकिन 15 दिन तो दूर की बात, एक महीना हो गया कुछ हल नहीं निकला। मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा जल्द से जल्द हल हो जाए, बस। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात रखने के लिए। तो जैसा कि आप सभी ने सुना और देखा, सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लोग यहाँ पर परेशान हैं। इस सभी पे इन सभी का गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जल्द इस पे संज्ञान ले, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ मैं असलम, न्यूज़ अंडमान 24/7, जय हिंद।